जी दोस्तों, अभी हमने नाश्ता वगैरह सब अच्छे तरीके से कर लिया है और ये आ गई हमारी मज़ेदार सी चाय। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों खुशियाँ दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और दोस्तों, हम लोग नाश्ता वगैरह करके बस निकल चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं बाबा के घर आज, और बच्चे भी तैयार हैं। बस हम लोग अभी निकल चुके हैं और हम मिलते हैं बाबा के घर। और जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे आता है घोड़ा चौक, और इन्होंने जगह जगह पे निशानियाँ लगाई हुई हैं ताकि कोई एड्रेस ना भूले। और अभी आ चुका है दुआ चौक, और अभी हम लोग यहाँ से भी निकलेंगे क्योंकि हमें जाना है बाबा के घर। और बाबा की तरफ जाने से पहले हमें डलवाना है पेट्रोल। बस थोड़ी देर यहाँ हम रुके हैं और फिर हम यहाँ से भी निकल चुके हैं। और यहाँ पे अभी हमें थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक मिल रहा है, और बस हम लोग बहुत जल्दी चले जाएंगे क्योंकि आगे हो सकता है हमें ट्रैफिक नहीं मिले। और आप खाली मौसम चेक करें और बादल चेक करें, ऐसे लगता है रुई के गोले उड़ रहे हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं बादल यहाँ पे। और दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं जीना गार्डन में। जीना गार्डन में बाबा का घर है और बहुत घर अब करीब है इनका माशाल्लाह। आ चुके हैं हम लोग बाबा के घर, और आप देख सकते हैं ज़ुहैब दानिश कितने खुश हैं और सबकी बातें सुन रहे हैं, और बड़ी खुशी खुशी बैठे हैं दोनों। और ये हैं भाभी, जो कि मेरी जिठानी है, और ये बैठी हुई हैं, और इस तरफ इनकी बेटी बैठी हैं और उनकी बड़ी बेटी बैठी हुई हैं, और ये हैं इनके दामाद, और बाबा बैठे हुए हैं और वासिफ बैठे हुए हैं। और बहुत मज़े मज़े की गपशप हो रही है इन लोगों की आपस में, और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हो रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। और ये रही इनकी दो बेटियाँ, छोटी वाली, और ये लोग कभी मंडा वगैरह डाल रही थी, किचन में थी ये लोग। बाबा ने बनाई हुई थी निहारी अपने हाथ से, और बहुत मज़ेदार थी। फिर हम लोगों ने यहाँ पे दोपहर का खाना खाया, फिर बच्चों ने मिलके लूडो खेला, और लूडो खेलते खेलते उनको अपनी कैस्पर यानी कि उनकी मानो याद आ गई थी, और जैनब को अपनी आइजल याद आ गई थी, और एक दूसरे को पिक्चर्स दिखा रहे थे जो कि दोनों अब इस दुनिया में नहीं थी, दोनों मर चुकी थी, और अपनी अपनी बात करनी शुरू कर दी थी। लूडो को वैसे ही छोड़ दिया था, और जैनी अपनी आइजल के पिक्चर्स दिखा रही थी इन बच्चों को, और बहुत शौक से लोग देख रही थी। और ये बैठे हुए हैं बाबा, ज़ुहैब और पापा और समरान बैठे हुए, और ये लोग सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। उसके बाद हम लोग गए बच्चों की पप्पो के घर, और पप्पो का घर आ चुका था, और बस अभी हम लोग पप्पो के घर के बहुत करीब आ गए थे। और बच्चों को एक अलग ही खुशी होती है पप्पो के घर की भी, बहुत खुश थे जैसे ही हम लोग आए। इनके घर रात का खाना बिल्कुल रेडी था, और सिर्फ रोटियां लाने की देर थी, और इन्होंने फटाफट गरम गरम रात का खाना रखा था, और हम सब लोगों ने मिलके खाया। और मिलके खाने में आपको पता है कितना ज़्यादा मज़ा आता है। और ये मीठा था इनका, आइसक्रीम वगैरह मंगवाई थी इन्होंने, और इन्होंने बहुत मज़े का मीठा बनाया हुआ था उसका, सागुदाने का, जो कि बहुत टेस्टी था। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा खाना वाना खा लिया था। सब चीज़ें खाने के बाद ज़ुहैब दानिश बैठे हुए थे और सबकी बातें सुन रहे थे, और बहुत ज़्यादा खुश थे पप्पो के घर पे। आप देख सकते हैं दोनों बैठे हुए पप्पो के घर। और बस हम लोग फिर वहाँ से भी निकल चुके थे और अपने घर की तरफ, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे। और बस रास्ते में चलते चलते एकदम बच्चों का प्रोग्राम बन गया लिमका पीने का और गोला गंडा खाने का। और बस रास्ते में हम वहाँ से निकले ही थे कि बच्चों ने प्रोग्राम बना लिया कि हमें लिमका पीना है और हमें गोला गंडा वगैरह खाना है। और बस दोस्तों, फिर हम लोग शॉप ढूंढ रहे थे कि किस जगह से हमें दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को मिल चुका था कि गोला गंडा भी खाए एक ही जगह पर दोनों चीज़ें। और ये ज़ुहैब दानिश बैठे हुए हैं, हम लोगों ने यहाँ बैठ के गोला गंडा और लिमका पिया, और ये आ चुका है बच्चों का।
लिम्का भी, और जिसको जो जो पसंद था वो सब ने अपनी अपनी चॉइस पे मंगाया था, और अच्छी चीज़ें थी, मज़ा आया था यहाँ पे भी हम लोगों को। और दोस्तों यहाँ पर भी लिम्का, गोला गंडा, ये सारी कराची वाली चीज़ें मिल जाती हैं बासानी, और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि कराची में भी ये लोग गोला गंडा वगैरह खाते थे और यहाँ पे भी मिल गई थी ये चीज़ें, बहुत खुश थे लोग। और इनके साथ बैठे हुए पापा जो कि वो भी लिम्का ही पी रहे थे, और बाकी बच्चों ने मंगाया था गोला गंडा जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार था लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा था, और आखिर तक बच्चों से नहीं खाया गया था लेकिन बस खाया था बच्चों ने शौक से। और बस हम लोग यहाँ से निकल चुके थे अब और अपने घर की तरफ। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब लोग व्यूज़ तो देते हैं मगर इसको सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हम कल किसी अच्छी ब्लॉग के साथ।